इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड आपका 3 to 5 ईयर्स के लिए आपको कितना मंथली ईएमआई आने वाला है, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। एंड इस बाइक का प्राइस भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। आपका हाइट अगर 5'6" भी होगा तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली ले सकते हैं। 5'5" होगा तो एक चैनल आई एम सौरभ एंड यू वाचिंग सौरभ्स ब्लॉग्स। एंड गाइस आज मैं आ चुका हूँ ओएसएल बीएमडब्ल्यू मोटर कोलकाता में। एंड ये जो कोलकाता का जो ब्रांच है, पहले जो शोरूम था वो अभी फिलहाल आ चुका है न्यू टाउन में, एकदम आपको सिटी सेंटर 2 के पहले ही आपको राइट हैंड साइड में आपको रॉयल एनफील्ड का शोरूम के बगल में ही है, एकदम पीपल ट्री होटल के नीचे। ओके एंड आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ गाइस दिस बीएमडब्ल्यू G310GS। एंड ये जो है 40 ईयर्स एनिवर्सरी एडिशन, आप लोग देख सकते हैं। ये जो कलर स्कीम जो है एकदम न्यू कलर स्कीम है। एंड इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा एंड आपका 3 to 5 ईयर्स के लिए आपको कितना मंथली ईएमआई आने वाला है, ये सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। एंड इस बाइक का प्राइस भी आप लोगों को मैं बताऊँगा, तो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखिए। एंड आगे मैं इस बाइक का पूरा साउंड भी आप लोगों को सुना देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस बाइक का रिव्यू। तो फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पर विंडशील्ड मिलता है एंड एक्सेसरीज के दौरान आप यहाँ पर बड़ा विंडशील्ड भी आपको मिल जाएगा। एंड हेयर इज द नंबर प्लेट लगाने का जगह। एंड फ्रंट का जो सेटअप है यहाँ पर आपको फुल्ली LED सेटअप मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BMW LED का ब्रांडिंग, ये जो है पूरा DRL है। एंड दिस इज़ लो बीम एंड दिस इज़ हाई बीम। मैं एक बार जला के आप लोगों को दिखा देता हूँ, दिस इज़ द लो बीम एंड इट इज़ हाई बीम। ओके एंड यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिलता है जो F900 से इंस्पायर्ड है। ये जो LED इंडिकेटर है जो काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी प्रीमियम देखने को लग रहा है। एंड हेयर इज द 41mm गोल्डन एनोडाइज किया हुआ आपको USD फोग मिल जाता है। ओके एंड नीचे में आपको 300mm का डिस्क मिलता है विद वाइब्रेट कैलिपर। एंड यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है जो BMW मोटर्ड का ABS इस बाइक में यूज़ हुआ है। एंड हेयर इज द दोनों साइड पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो अभी BS6 से नॉम से आ रहा है। एंड नीचे में आपको मिर्जिला टोरेंस के टायर मिलता है। यहाँ पर 110x80 19 inches का एलॉय व्हील के साथ यहाँ पर आपको टायर मिलता है। एंड ये दोनों जो टायर है फ्रॉम थाईलैंड से इम्पोर्ट किया गया है इस बाइक के लिए स्पेशली। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लिक्विड कूल इंजन। एंड इंजन जो है पहले से बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुका है क्योंकि इसमें नया ईसीयू यूज़ किया गया है। एंड इंजन का जो पहले से जो वाइब्रेशन था बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है। दिस इज़ अ 313cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-valve DOSC इंजन। इट इज़ फ्यूल इंजेक्टेड एंड BS6 कंप्लाइंट। एंड इसका पावर फिगर की अगर बात करें तो 34 PS का आपको BHP मिलता है एंड 28 Nm का आपको टॉर्क मिलता है इस इंजन से। एंड और एक बार बता देता हूँ, दिस इज़ द लिक्विड कूल इंजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड हेयर इज़ द इंजन गार्ड, नीचे आपको बैच प्लेट मिल जाता है जो। एंड इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मैसिव 200+ mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसका जो सीट हाइट है इट इज़ 835mm। एंड आगे मैं बाइक पे बैठ के भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका कौन सा हाइट से आपको लेना चाहिए। एंड हेयर इज़ द ऑक्सीजन सेंसर, आप लोग देख सकते हैं अंदर का जो पाइप गया है एकदम नीचे से जाके। एंड इसका जो कैटेलेटिक कन्वर्टर जो है एग्जॉस्ट के अंदर ही इसका कैटेलेटिक कन्वर्टर है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ रोडिंग के लिए जो ब्रेक लीवर यहाँ पर आपको दिया गया है। एंड हेयर इज़ द BMW का ब्रांडिंग, GS का ब्रांडिंग। एंड
G310, यहाँ पर आपको BMW का प्रीमियम लोगो मिल जाता है। एंड ये जो कलर स्कीम आप लोग देख सकते हो जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये ब्लैक के ऊपर पूरा येलो GS। एंड टैंक कैपेसिटी का अगर बात करें तो 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाता है यहाँ पर। एंड हियर इज द 40 ईयर्स GS, दिस इज एनिवर्सरी एडिशन। एंड बाइक का वेट जो है इट इज़ 169.5 kg बाइक का वेट है। एंड सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो अच्छा खासा सीट कंफर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी स्प्लिट सीट यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। एंड पिलियन का सीट भी आप लोग देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर पिलियन का सीट भी है। एंड पीछे में आपको टॉप रैक इनबिल दे रहा है क्योंकि ये जो है एडवेंचर टूरर बाइक। एंड नीचे में आपको यहाँ पर मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है जो फुल्ली एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। एंड हियर इज द फ्रेम। पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 240mm का आपको डिस्क मिलता है विथ वाइब्रे कैलिपर के साथ। एंड हेयर इज़ द डुअल चैनल ABS। एंड हेयर इज़ द एल्यूमिनियम स्विंगम एग्जॉस्ट, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ह्यूज है। एंड इसका साउंड भी काफ़ी सुंदर है। एंड पीछे टायर की अगर बात करें तो मेटजिलर का टोरेंस का टायर है 150/70/17 ओके। एंड दो टायर आर ऑल रेडियल एंड ट्यूबलेस टायर ओके। एंड पीछे में आपको पूरा LED आपको टेल लैम्प देखने को मिल रहा है। हेयर इज द LED नंबर प्लेट लाइट। एंड यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने का जगह, रिफ्लेक्टर, BMW का ब्रांडिंग एंड द LED इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है काफ़ी सुंदर है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड नीचे में आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। एंड इट इज़ ओपन साइड चेन सेटअप, तो लगभग 500-600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड चेन लुब्रिकेट करना पड़ेगा। एंड एल्यूमिनियम फुट पैक देख सकते हैं। दिस इज़ द 6-speed गियर बॉक्स। एंड इस बाइक में आपको एक्चुअल स्लीपर क्लच मिल रहा है ओके। एंड तो आप किसी भी गियर पे आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस बाइक का टोटल आपको 3 कलर मिल जाता है ओके। दिस इज़ द कॉस्मिक ब्लैक 40 ईयर्स एनिवर्सरी एडिशन। और एक जो है रैली जो ब्लू मेटालिक जो कलर है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ द ब्लू मेटालिक कलर। एंड इसका रिव्यू भी मेरा बनाया हुआ है, आप लोग आई बटन में लिंक आ रहा है, आप लोग वहाँ से इसका रिव्यू देख सकते हैं। एंड और एक जो कलर है इट विच इज़ पोलर वाइट। एंड आगे मैं इस बाइक का आपको प्राइस भी बताऊँगा, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। दिस यहाँ पर आपको राइट बाई वायर थ्रॉटल यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसके कारण थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं राइट बाई वायर थ्रॉटल, ये आप देख सकते हैं। एंड हैंडल बार जो है काफ़ी वाइड है। इंजन किल स्विच, सेल बटन, हाई बीम, लो बीम एंड दिस इज DRL बटन, इंडिकेटर एंड हॉर्न काफ़ी लाउड है। एंड हियर इज द डिपर बटन, देख सकते हैं डिपर बटन। एंड इसमें आपको कंपनी फिटेड एडजस्टेबल क्लच लीवर एंड एडजस्टेबल ब्रेक लीवर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड हियर इज द टाइनी BMW का आपको लोगो मिल जाएगा। एंड हैंडल बार जो है फुल्ली ब्लैक में है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर बात करें, इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप देख सकते हैं फुल्ली डिजिटल है। मैं एक बार ऑफ करके ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। हेयर इज़ द फ्यूल गेज, इंजन कितना टेम्परेचर हो रहा है, स्पीड न्यूट्रल कौन सा गियर पे है, टाइम एंड दिस इज़ द टैकोमीटर एंड और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको और भी सेटअप बटन मिल जाता है, जो रेंज एंड कितना आपको एवरेज स्पीड कितना आ रहा है एंड डेट सेटअप, आपका ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड फ्यूल कंजम्पशन सब इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको सर्विस, जब सर्विस रिमाइंडर का यहाँ पर शो करेगा सर्विस, यहाँ पर हाई टेम्परेचर, इंजन हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज़ द इंडिकेटर सिग्नल, हाई बीम का यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाता है। दिस इज़ द रिजर्व सिग्नल, न्यूट्रल इंडिकेटर, कोई भी एरर रहेगा तो शो करेगा ABS। एंड हियर इज़ द बैटरी इंडिकेटर एंड इंजन माल फंक्शन ओके। एंड और एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, एंड ये आप देख सकते हैं पहले GS में नहीं आता था, अभी ये जो आपको छोटा जो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पर GS, अब कौन सा बाइक चला रहे हैं यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाता है ओके। एंड बाइक का जो मिरर है आप लोग देख सकते हैं, मिरर जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड है। एंड इस बाइक का
मैं प्राइस बता देता हूँ इस बाइक का, एक शोरूम में प्राइस बता रहा हूँ इस बाइक का, जो एक शोरूम प्राइस है इट इज 291,000। ओके, एंड एकदम बेस वेरिएंट जो है इस बाइक का, जो स्टार्टिंग वेरिएंट है विच इज पोलर व्हाइट जो कलर है, स्टार्टिंग प्राइस है 285,000। ओके, एंड दिस इज अ 40 ईयर्स एनिवर्सरी एडिशन। ये कॉस्मिक ब्लैक एंड जो रैली ब्लू जो है, ये जो कलर है रैली ब्लू जो कलर है, ये दोनों कलर का आपका प्राइस पड़ेगा 291,000 एक शोरूम प्राइस, एंड पोलर व्हाइट जो है उसका प्राइस है 285,000। एंड इस बाइक को लेने के लिए आपको मिनिमम जो डाउन पेमेंट है, लगभग आपको 1,00,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इस बाइक को लेने के लिए। तो 1,00,000 डाउन पेमेंट अगर आप लोग करेंगे, एक मिनट, 1,00,000 डाउन पेमेंट इस बाइक के लिए अगर आप लोग 1,00,000 डाउन पेमेंट करेंगे तो आपका 3 साल के लिए आपका मंथ हर महीना ईएमआई आने वाला है 8,393 रुपीज़। ये जो है 3 ईयर्स के लिए 8,393 रुपीज़ 3 ईयर्स के लिए पड़ेगा 1,00,000 डाउन पेमेंट करने से। एंड अगर आप 4 साल के लिए लेंगे 4 ईयर्स के लिए, तो आपको हर महीने ईएमआई आने वाला है 6,676 रुपीज़ 6,776 रुपया 4 साल के लिए आपको हर महीना ईएमआई आने वाला है। एंड अगर आप 5 साल के लिए ईएमआई में जाएंगे तो 5 साल के लिए आपको हर महीने ईएमआई आने वाला है 5,656 रुपीज़। ओके, ये जो है 5 साल के लिए 5,656 रुपीज़ 5 साल के लिए आपको ईएमआई आने वाला है, ये जो है 1,00,000 डाउन पेमेंट करने से। ओके, एंड ये जो जो ईएमआई का जो पूरा हिसाब मैं बोला, ये आपको अप्रोक्स अमाउंट में शोरूम से निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसके कम भी हो सकता है। ओके, एंड इस बाइक को एक बार बैठ के मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा हाइट से इस बाइक को आपको लेना चाहिए। तो मेरा हाइट है 5'8" ओके 5'8" मेरा हाइट है। तो मेरा पैर दोनों साइड पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा पैर जो है दोनों साइड पे ऐसे टिक रहा है। एक बार भैया को बोलूँगा एक बार दिखाने के लिए, देख सकते हैं मेरा हाइट से इतना पैर दोनों साइड पे टिक रहा है। एंड आपका हाइट अगर 5'6" भी होगा तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली ले सकते हैं। 5'5" होगा तो एक बार आप ओएसएल बीएमडब्ल्यू मोटर कोलकाता में आइए, एक बार बाइक का पहले टेस्ट ड्राइव लीजिए। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप लोग देखिए आपका हाइट से अगर इस बाइक जो सूटेबल अगर लग रहा है तो आप लोग डेफिनेटली इस बाइक को बुक करके ले सकते हैं एंड देख सकते हैं। एंड इसका जो सीटिंग जो पोस्चर है, सीटिंग पोस्चर एक बार मैं दिखा देता हूँ। सीटिंग पोस्चर आपको मतलब पैर का जो पोस्चर है, फुटरेस्ट जो है थोड़ा आगे की साइड है, आपको ऐसा नहीं है आपको स्पोर्टी बाइक की तरह पीछे में आपको फुटरेस्ट नहीं है। फुटरेस्ट जो पोजीशन जो है तो थोड़ा आपको आगे ही मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर टैंक ग्रिप यहाँ पर आपको मिल रहा है, साइड में गाड़ी का साइड में आपको प्रॉपर टैंक ग्रिप मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का जो व्यू है एंड कॉकपिट जो व्यू है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड पीछे का जो सस्पेंशन है तो बहुत स्मूथ है, एकदम पीछे का सस्पेंशन मेरा बैठने पे ही पूरा पीछे का सस्पेंशन जो है पूरा काम कर रहा है। ओके, तो मैं एक बार पहले एक बार बाइक का साउंड आप लोगों को सुना देता हूँ। तो गाइस साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पांस है ना, राइड बाय वायर की वजह से इसका जो थ्रॉटल रिस्पांस है बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो चुका है। एंड नया ईसीयू भी अभी बाइक पे लग चुका है, जिसके कारण थ्रॉटल रिस्पांस जो है, इनिशियल थ्रॉटल काफ़ी सुंदर एकदम प्रॉपर थ्रॉटल आपको मिल रहा है इस बाइक से। एंड
बाकी गाइस आप लोग बोलिए बाइक का जो कलर है, आपको कितना कलर एंड कितना प्राइस वगैरह, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग बोलिए वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड बाइक का जो फ्रंट का जो व्यू है, फ्रंट का जो LED है ना, काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार LED यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड मैं एक बार पूरा 360 व्यू आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। आपको अगर टूरिंग बाइक चाहिए, प्रॉपर ऑफ रोडिंग टूरिंग बाइक अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली दिस मशीन पे आप जा सकते हैं। आंखें बंद करके इस मशीन को आप ले सकते हैं। और गाइस आपको BMW का अगर कोई भी बाइक लेना है, आप लोग अगर हावड़ा हुगली कलकत्ता से हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो डेफिनेटली गाइस आप कोलकाता BMW मोटर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड शोरूम पे भी विजिट कर सकते हो। अभी G310 एंड GS310 हर बाइक का आपको टेस्ट ड्राइव यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अलग से टेस्ट ड्राइव यूनिट है। एंड शोरूम का नंबर एंड शोरूम का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नंबर जो है स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये शोरूम जो है एकदम सिटी सेंटर 2 के पहले आपको राइट हैंड साइड में पड़ेगा एंड पीपल ट्री के नीचे डोमिनोज के बगल में। बाकी गाइस आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। आप लोग सेफ रहे, कोरोना से बच के रहे। टाटा, बाय बाय।